नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है, उनके पास से 27 एटीएम बरामद हुए। पकड़े गए दो लोगों में से एक व्यक्ति सीधी जिले में इसके पहले भी एटीएम मामले पे जेल जा चुका है। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में उप पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाएंगे। हम आपको बता दें, गिरोह के दो सदस्य पकड़े गए हैं, समान थाना पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनके पास से 27 एटीएम बरामद हुए हैं। पूछताछ जारी है, पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह सदस्य गिरफ्तार, उनके पास से 27 एटीएम हुए बरामद, समान थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने किया खुलासा। रीवा पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जब उसने एटीएम बदलकर बैंक खाते से पैसा निकाल लेने वाले ठग गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। साथ ही पुलिस ने जब उनके पास तलाशी ली तो उनके पास से 27 नग एटीएम जो अलग अलग बैंकों के थे उन्हें भी बरामद किया है। पकड़े गए दो अपराधियों में से एक सीधी जिले में इसके पूर्व भी एटीएम के ही मामले में गिरफ्तार हो चुका है और जेल जा चुका है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया, समान थाना पुलिस को सूचना मिली थी दो संदेहास्पद व्यक्ति एटीएम के पास समान तिराहे में खड़े हैं, जिनके पास कई एटीएम हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की और उन दोनों को पकड़ लिया, जिन्होंने अपना नाम दिनेश साहू, हरिओम साहू शुक्ला बताया है, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों की जेब से कुल 27 नग एटीएम जब्त किए। अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड से वो एटीएम बूथ में लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, लोगों की मदद के नाम पर उनके एटीएम बदलकर ठगी को अंजाम देते थे। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते थे जिसे उन्हें अंदाजा था ये शायद एटीएम से पैसे ठीक से ना निकल पाएगा, उसके पीछे खड़े हो जाते थे और मदद करने के नाम पर एटीएम बदल दिया करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाते हैं। कल एक एटीएम का ग्रुप पकड़ा गया है, ये ओम दिनेश साहू पिता लालमन साहू हैं और हरिओम शुक्ला पिता शेषमणि शुक्ला, ये मझौली सिटी के रहने वाले हैं। इनका काम एटीएमों में जा कर के पीछे खड़े होना और जो कस्टमर जो एटीएम धारक है वो यदि पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको एटीएम निकालने में एटीएम से पैसे निकालने में असुविधा होती है, समझ नहीं पाते प्रॉपर मशीन को ऑपरेट करना, तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो और अपने साथ उसी बैंक के एटीएम अपने पास रखे रहते हैं और उनका एटीएम चेंज कर लेते हैं मदद करने के नाम से, और उनके कोड को या तो उनसे पूछ लेते हैं या कोड डायल करते समय उसको देख लेते हैं और चेंज करने के बाद इसी एटीएम को ले जाके दूसरे एटीएम काउंटर पे उस मशीन से ऑपरेट करके उनके पैसे निकाल लेते थे। ये घटनाएं लगातार हो रही थी, पुलिस जो है इनके तलाश में थी। कल जो है समान में जहां एटीएम काउंटर है वहां पे ये लोग पुलिस के निशाने में थे और पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये एटीएम के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय पकड़े गए। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 27 एटीएम मिले और वो एटीएम विभिन्न बैंकों के थे। पूछताछ करने में पता चला कि ये काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा है और इसमें दिनेश साहू जो है ये मझौली सीधी कोतवाली में इसके खिलाफ एटीएम की धोखाधड़ी का मुकदमा भी पहले कायम हो चुका है और ये उसमें गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।